अर्जुन को क्यों था श्री कृष्ण पर आंख मूंद कर विश्वास? श्री कृष्ण ने अर्जुन का वह कौन से तीन कारण बताए थे जो कलयुग में मनुष्य के सर्वनाश की सबसे बड़ी वजह है? तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन क्यों भगवान श्री कृष्ण पर आंख मूंद कर दृढ़ विश्वास रखते थे, और साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह कौन सी तीन बातें बताई थीं जो मनुष्य के सर्वनाश के लिए सबसे बड़ी वजह है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि धर्म, अध्यात्म और दैवीय उपायों की नई नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। महाभारत की चर्चा कभी भी श्री कृष्ण और अर्जुन के बिना पूरी नहीं होगी। हमेशा कहा जाएगा कि अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया, लेकिन प्रतिभा का उपयोग उन्हें श्री कृष्ण ने ही सिखाया था। युद्ध भूमि में अपनों के सामने धनुष बाण उठाना हो या प्रतिज्ञा की आड़ में जान बचा रहे जयद्रथ का वध हो, अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण की कही बात पर आंख मूंद कर विश्वास किया। आज हम आपको वो पांच कारण बताने जा रहे हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि आखिर अर्जुन को श्री कृष्ण पर इतना अंधविश्वास क्यों था कि वे उनका ही अनुसरण करते थे। अर्जुन और श्री कृष्ण में मित्रता का इतना गहरा रिश्ता था कि वे आपस में सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते थे। भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण का विष्णु स्वरूप देखने पर पछताते हुए भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन और उनके परिवार को संकट में बचाया था। वन में भोजन खत्म होने पर दुर्वासा मुनि के श्राप से बचाना हो या चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा करना, श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ दिखाई दिए। महाभारत के युद्ध को पल भर में खत्म करने की ताकत रखने के बावजूद श्री कृष्ण महज अर्जुन के सारथी बने। युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सबसे बड़े सलाहकार की भूमिका निभाई और अर्जुन को ही महान योद्धाओं को खत्म करने का श्रेय लेने दिया। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को अपना अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमेशा उसकी मुश्किलों की राह तर्क सहित उदाहरण के जरिए समझाई, जिससे अर्जुन को उन पर पक्का यकीन हुआ। जीवन का सार कहलाने वाले गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें कही थीं, माना जाता है कि उनके जरिए श्री कृष्ण ने पूरी मानव जाति का कल्याण करने वाले मंत्र दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, सगे संबंधी का भेद महज मौखिक नहीं समझाया, बल्कि अलौकिक विराट रूप से इसका वास्तविक दर्शन भी कराया, जिसके बाद अर्जुन के लिए सांसारिक मोह माया में भेद करना कठिन नहीं रहा। महज अर्जुन ही श्रीकृष्ण पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि कान्हा खुद भी अपने सखा अर्जुन पर पक्का विश्वास करते थे। यही कारण था कि अपनी मृत्यु के बाद द्वारकावासियों की जिम्मेदारी वे अर्जुन को ही सौंप गए थे। श्रीकृष्ण ने द्वारकावासियों की किस्मत का फैसला भी खुद नहीं किया था, बल्कि वे अपने पिता वसुदेव से महज इतना कह गए थे कि यह फैसला अब अर्जुन ही लेगा, वह जो तय करेगा वही द्वारकावासियों की किस्मत होगी। आइए अब जानते हैं कलयुग में सर्वनाश के वह तीन कारण जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। महाभारत का युद्ध महज धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह चचेरे भाइयों कौरवों पांडवों के बीच की लड़ाई भी थी। युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की तरफ से मौजूद योद्धा आपस में सगे संबंधी थे। अपने सगे संबंधियों को युद्ध में सामने देख भावुक हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था, जो भगवद गीता के तौर पर संरक्षित है। इसके उपदेश आम जीवन में आज भी उतने ही प्रभावी हैं। जीवन का सार कहलाने वाले गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें कही थीं, माना जाता है कि उनके जरिए श्री कृष्ण ने पूरी मानव जाति का कल्याण करने वाले मंत्र दिए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मनुष्य के विनाश का कारण पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और यह ध्यान उसे आसक्त बना देता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह आसक्ति मनुष्य के जीवन में काम को जन्म देती है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोधी बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा था कि क्रोधी बनने पर मनुष्य की आसक्ति विषय के प्रति और ज्यादा बाढ़ जाती है। जब यह मोह बढ़ जाता है तो मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
जब मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति उसका साथ छोड़ देती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश के साथ ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण से गीता के ये उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का युद्ध मैदान पर अपनों के प्रति छाया मोह भंग हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण के गीता के ये उपदेश महज अर्जुन नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए थे और आज भी उतने ही प्रभावी हैं। इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में शामिल कर कोई भी जीवन की मुश्किलें हल कर सकता है। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें। जय श्री कृष्ण।